जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान अपने प्राचीन किलों के लिए, महलों के लिए, चमत्कारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी आप कभी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, और यह प्रसाद हर देवी देवता को खुश करने के लिए उनकी पसंद का ही होता है। कहीं मंदिर में लड्डू चढ़ाया जाता है तो कहीं पेड़ा, तो कहीं चूरमा, तो कहीं खिचड़ी, जैसा भी भगवान को पसंद हो। लेकिन राजस्थान का सांवलिया सेठ का मंदिर दूसरे मंदिरों से कुछ अलग है, जहां भक्त भगवान को मंदिर में अफीम चढ़ाते हैं। जी हां, अफीम चढ़ती है, आपने सही सुना। राजस्थान का सांवलिया सेठ भगवान का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त अपने भगवान को मंदिर में अफीम चढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही गजब का मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में आज पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान में स्थित है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये मंदिर भारत के अलावा कई देशों में काफ़ी प्रसिद्ध है, और मूल रूप से ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और इस मंदिर में अफीम के तस्कर अपनी तस्करी की खेप पहुंचाने से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पुलिस का कड़ा पहरा हो, इस मंदिर में अफीम चढ़ाने के लिए ज़रूर आते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में तस्कर हर वर्ष करोड़ों का अफीम चढ़ा कर जाते हैं। इस मंदिर के संबंध में यह प्राचीन मान्यता है कि जो भी यहाँ अफीम चढ़ाता है, उन्हें तस्करी के धंधे में अच्छा खासा मुनाफा होता है। इस मंदिर की दान पेटी हर चतुर्दशी के दिन या फिर अमावस्या के दिन खोली जाती है, और जब इस मंदिर की दान पेटी को खोला जाता है तो उसमें नगद जेवरात तो कम मिलते हैं, लेकिन इस दान पेटी में बहुत बड़े पैमाने पर अफीम निकलती है। अगर इसे रुपये में देखा जाए, पैसों में देखा जाए, तो इस दान पेटी में इस बार 2,46,00,000 रुपये की अफीम निकाली गई है। अफीम एक ऐसा जहरीला नशा है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। वैसे अफीम से कई प्रकार की मेडिसिंस भी बनती है, और इसीलिए इसे लाइसेंस के आधार पर सरकार किसानों को उगाने की अनुमति देती है, क्योंकि इसका प्रयोग मेडिसिन में भी होता है। तो अफीम को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही महंगी होती है, और कहते हैं कि सांवलिया सेठ खुद काले सोने के देवता हैं। यही कारण है कि यहाँ तस्कर बड़े पैमाने पर अपनी तस्करी की खेप में से अफीम चढ़ाने के लिए आते हैं, जबकि अफीम बहुत ज़्यादा महंगी होती है, मगर फिर भी तस्कर पुलिस की रिस्क लेकर, सारी रिस्कों को अपने सर पर लेकर अफीम चढ़ाने के लिए आते हैं। मेवाड़ के श्री सांवलिया जी सेठ के मंदिर में एक किसान ने अभी हाल ही में अपनी मन्नत पूरी होने पर 100 ग्राम चांदी से बना अफीम का पौधा भेंट किया है। चांदी से बनवा कर लाया हो, इसमें पत्ते, डोडे और डोडे में चीरा लगाकर अफीम को निकलता हुआ सांप दिखाया गया है। समाचार पत्रों में ये खबर बहुत ही मुख्य पृष्ठ पर शानदार तरीके से लोगों को दिखाई गई है। तो सांवलिया सेठ सीधे तौर पर खुलेआम अफीम यहाँ पर चढ़ाई जाती है, या फिर प्रतीक स्वरूप अफीम लोग चढ़ा रहे हैं। अफीम के काश्तकारों को भी यहाँ अपनी फसलों को तस्करों से बचाना होता है, मौसम की मार से बचाना होता है, क्योंकि बहुत ही महंगी फसल होती है। देखिए आप, तो मौसम की मार और फिर तस्कर रात को यदि काट के ले जाए, तो इनसे बचाने के लिए किसान भी यहाँ सांवलिया सेठ के दरबार में मन्नत मांग कर जाते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर तरह तरह से अफीम भेंट करते हैं। उस किसान ने अपने तरीके से अफीम भेंट की है। बड़े बड़े अफीम के तस्कर यहाँ सांवलिया सेठ को अपना पार्टनर मानते हैं, और अफीम से होने वाली कमाई में से एक बड़ा हिस्सा भगवान को भी चढ़ाते हैं। ना केवल अफीम के व्यापारी या तस्कर, बल्कि दुनिया भर से बड़े बड़े कारोबारी धंधे वाले लोग सांवलिया सेठ को अपने धंधे में पार्टनर बनाते हैं, और फायदे में उनका हिस्सा अलग निकाल लेते हैं, और जब भी यहाँ आते हैं उनका हिस्सा यहाँ दे कर जाते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में महीने में लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ जाता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी आ जाता है। तो सांवलिया सेठ का मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर को राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है, और जो मूर्ति यहाँ सांवलिया सेठ जी की स्थापित है,
वो काले रंग के पत्थर से तैयार की गई है। लेकिन कहता है कि ये मूर्ति किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि स्वयं भू मूर्ति है जो इसी जगह पर खुदाई में निकली थी। हर वर्ष देव झूलनी एकादशी के दिन यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग इस मेले में शिरकत करने आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ सांवलिया सेठ के दरबार में जो जितना देता है, सांवलिया सेठ उसे कई गुना करके वापस लौटाते हैं। यही कारण है कि इस मान्यता के चलते लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दान करने के लिए आते हैं, और उन्हें अपने किए गए दान से बहुत ज़्यादा मिलता भी है। इसी ख्याति के कारण लोग अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर ही बना लेते हैं। श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर का भंडारा, जिसे दान पात्र भी कहा जाता है, दान पात्र महीने में एक बार खोला जाता है और यह हर चतुर्दशी के दिन खोला जाता है। लेकिन होली के समय यह डेढ़ महीने में खोला जाता है और दीपावली पर दो महीने में खोला जाता है। सांवलिया सेठ के इस अद्भुत चमत्कारी मंदिर में पूरी दुनिया से लोग सर झुकाने आते हैं, सर नवाने आते हैं। यहाँ तक कि लोग विदेशों में अर्जित आय में सांवलिया सेठ को पार्टनर बनाते हैं और सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाने के लिए विदेश से यहाँ आते हैं, और इसीलिए भंडारे में डॉलर, पाउंड और दिनार रॉयल के अनुसार कई विदेशी मुद्रा भी निकलती है। तो आप भी सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए सांवलिया सेठ की जय हो। तो दोस्तों, यह थी सांवलिया सेठ, जिन्हें लोग अफीम के तस्करों का पार्टनर भी कहते हैं, की पूरी जानकारी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।